अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा देखें, आज मैं असाइनमेंट MTH 632 की स्प्रिंग 2024 लास्ट डेट इसकी 3 है और ये हमारे पास सेक्शन इंचार्ज जो हैं मिस्टर मंसूर खुर्शीद हैं, तो इनकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मैंने सोल्यूशन बनाया है, जैसे कि आप सब जो लोग जानते हैं पहले भी हम असाइनमेंट बनाते हैं और बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा कंसेप्ट दिया जाता है ताकि आप खुद इसको डिज़ाइन कर सकें, खुद एनालाइज कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि शो डैट, आपने सोल्यूशन दो नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट है कि ये z² + 1 = 0 लाइज इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद ये आपको दो नंबर दिए गए हैं, दो पॉइंट दिए गए हैं फ्रॉम द ओरिजिन, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। -1 का आपने अंडर रूट फाइंड करना है, थर्ड अंडर रूट फाइंड करना है। उसके बाद ये दो नंबर दिए गए हैं, इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसको आपने जेड और जेड बार की फॉर्म में लिखना है। तो इंशाल्लाह 20 नंबर की असाइनमेंट है, मैंने सोल्यूशन बना लिया है, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें गिवन डैट, हमें गिवन क्या था कि z² + 1 = 0। तो z² इधर ही खड़ा रहा, इधर प्लस का था माइनस, दूसरी तरफ इधर प्लस का वन था, दूसरी तरफ माइनस का वन होगी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। उसके बाद टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया यानी कि एडजस्ट लिया, तो ये स्क्वेयर एडजस्ट से कैंसिल और यहाँ पे हो गया -1 का अंडर रूट। और यहाँ पे -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो अयोटा किस में आता है, कम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे प्लस माइनस अयोटा भी आप लिख सकते हैं और अयोटा भी लिख सकते हैं। एज वी सी डैट द वैल्यू ऑफ जेड हैव द कम्प्लेक्स रूट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अयोटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिवन डैट, यहाँ में पॉइंट दिया है, एज दिस पॉइंट इज द टेकन फ्राम द ओरिजन, सो ओरिजन हमारे पास क्या होगा, 0 0। लेट जो 0 0 है उसको ए का नाम दे दिया, दूसरा जो है बी का नाम दे दिया। देन ए में हमारे पास जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स का है, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास वाई का है, इसी में ये एक्स का और ये वाई का, तो उनको नाम दे दिया यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, x² - x² + y² - y1 का स्क्वेयर। बाजू का यहाँ पे मॉड भी लगा होता है, तो फिर भी आपने घबराना नहीं, इसका भी यही काम होता है। ए बी का मॉड यानी कि डिस्टेंस हो गया, कीमत दर्ज की कैलकुलेशन की, 125 का अंडर रूट हो गया, 25 + 5 इसका अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5 जैसा लिया तो 5 आ गया, वो बाहर आ गया और अंदर वाला 5 वैसे का वैसे रहा। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें x = -1 / 1/3 हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। देन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, तो ये 1/3 यहाँ पे होना था ना, x = -1/3 और फिर ज़रब 3 होना था, ये 3 3 से कैंसिल हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास -1 बच गया। इसको दूसरी तरफ ले आया तो ये +1 हो गया। अब इसका हमने क्यूब बना दिया, तो 1 का क्यूब लिखें तो वही 1 बनता है ना, इसका क्यूब बना दिया। अब गौर करें तो ये हमारे पास a³ + b³ वाला फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस आनी थी। अच्छा तो x + 1 यहाँ पर यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ माइनस आनी है, -x + 1 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि x + 1 = 0 हो गया, तो x = -1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें x² - x + 1 हो गया, ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हेयर a = हमारे पास ये हो गया, जो हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 1 है, तो हमारे पास a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -1 और c क्या हो गया प्लस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये आप जानते ही हैं, इसमें वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन की, हमारे पास ये दो चीज़ें बन गई जमा। अब यहाँ से क्या किया कि हेयर -1 हमने इधर ले ली, तो हमारे पास क्या आ गया 1, अंदर वाली चीज़ वही, यहाँ से देखें माइनस कॉमन ले ली, तो यहाँ पर ये चीज़ बननी थी, यहाँ पे भी माइनस होना था -1 के साथ और इधर भी -1, तो हमारे पास ये चीज़ आपने अर्ली क्लासों में पढ़ी होगी, इसको हम ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो हमारे पास जो 1 के क्यूब रूट आए वो हमारे पास क्या आ गया -1 - ओमेगा और -ओमेगा² आप ये ऊपर वाले भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 नंबर का है, ये आपको दो पॉइंट दिए गए, सिम्प्लीफाई इनको ज़रब करते हैं, 1 को -1 को 5 से ज़रब, -5 हो गया,
माइनस वन प्लस आयोटो हो गया, फाइव आयोटो हो गया और माइनस आयोटा स्क्वेयर हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस फोर प्लस सिक्स आयोटा। अब हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज़ करना है, तो एलर फार्मूला यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है ये वाला कि जेड इज़ इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से हम एक तो आर फाइंड करेंगे, दूसरा आयोटा फाइंड करेंगे, सॉरी थीटा फाइंड करेंगे। सो हेयर वी नीड फॉर आर एंड थीटा इन द गिवन पॉइंट, जो ये हमें पॉइंट दिया गया था, एक्स हमारे पास कितना है माइनस फोर है और वाई कितना है सिक्स। देन हम क्या करेंगे, आर ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। वैल्यूज़ को पुट किया हमारे पास तेरह, यहाँ पे बावन बना, बावन को मैं लिख सकता हूँ चार ज़रब तेरह, तेरह का अंडर रूट, चार ज़रब तेरह सारे का अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, चार का अंडर रूट लिया तो दो आ गया और तेरह वैसे का वैसे हो गया। अब हमने टेन थीटा फाइंड करना है, तो वो हमारे पास होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, टेन इनवर्स वाई क्या है माइनस सिक्स और एक्स क्या है फोर, वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर टेन माइनस सिक्स ओवर फोर। अब इसकी वैल्यू नहीं आती तो इसको ऐसे ही खड़ा रहने दें। फाइनली रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास जो, हमारे पास जेड आर की ये वैल्यू होगी ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ से ये थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पे देख लें कि यहाँ तक थीटा की वैल्यू होगी और ये हमारे पास आयोटा हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद गिवन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, गिवन फंक्शन में ये दिया गया था एज वी वांट टू फाइंड द फंक्शन इन द टर्म ऑफ जेड एंड जेड बार। सो वी, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जेड और जेड बार चाहिए, तो हम एक्स और वाई को रिप्लेस करेंगे जिसमें के जेड और जेड बार में। तो लेट हमारे पास जेड ये है और जेड बार ये है जो हम जानते हैं, तो एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स प्लस जेड बार ओवर टू और वाई हमारे पास क्या होगा जेड माइनस जेड बार ओवर टू आयोटा। तो जो हमारे पास ऊपर फंक्शन था उसमें सब्सटीट्यूट करने वैल्यू, जहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जेड था सॉरी वाई था वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी वाई था वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें एक बटा दो मैंने स्टार में लिख दिया, तो ये थ्री हो गया, ये टू इससे हो गया, ये सेवन आयोटा हो गया। अब ये आयोटा यहाँ पे देख लें, ये आयोटा से कैंसिल, ये टू टू सॉरी टू है अकेला, यहाँ से क्या है टू कैंसिल हो गया टू के साथ और कुछ नहीं कैंसिल होता, ये अंदर ज़रब हो गया, हमारे पास क्या होगा थ्री, हमारे पास क्या हो गया थ्री ओवर टू। और ये अच्छा यहाँ पे एक और आगे बात, यहाँ पे जब हमने इसको ज़रब किया ना अंदर, तो यहाँ पे सॉरी आयोटा नहीं आना, यहाँ पे जब हमने ये ब्रैकेटें खोल दी हैं और इस पॉइंट के अंदर ज़रब कर दिया, तो ये आयोटा जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ये वाला आयोटा हमारे पास नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे थ्री जेड और माइनस थ्री जेड बाहर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें आगे हमने कैलकुलेशन की, यानी कि जेड वाले एक साइड पे कर दिए, जो जेड बार वाले थे वो एक साइड पे कर दिए, यहाँ से इन तीनों में से जेड कॉमन ले लिया, तो हमारे पास थ्री ओवर टू थ्री और सेवन ओवर टू बन गया, इधर से भी ऐसे बन गया, इस कैल्शियम लिया तो हमारे पास कितना बन गया सोलह ओवर टू जेड और माइनस टेन ओवर टू जेड बार। तो ये हो गया आठ जेड माइनस फाइव जेड बार। होपफुली इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और इंशाल्लाह बहुत से सोल्यूशन ऑन द वे हैं, बिकॉज टाइम की मैनेजमेंट और कमी की वजह से सोल्यूशन जल्दी अपलोड नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन सारे ही अपलोड हो जाएँ जो पेंडिंग पड़े हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको एमएस वर्ड की फाइल चाहिए हो तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसको फाइल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।